नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानी हुजा है। मेरे चैनल सेवन थेवन किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। चॉकलेट बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टिप देना चाहती हूँ। चॉकलेट तीन तरह की होती है, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और एक वाइट चॉकलेट। आप चाहो तो किस तरह से भी आप मिल्क चॉकलेट, खाली मिल्क चॉकलेट बना सकते हो, आप डार्क चॉकलेट बना सकते हो, आप व्हाइट चॉकलेट बना सकते हो, और आप चाहो तो आप दोनों मिला के भी बना सकते हो, तरह तरह की चॉकलेट बना सकते हो, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। ये चॉकलेट अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, आप इसमें कितने भी तरह के वेरिएशन कर सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, आप अपने ऊपर है आप किस तरह किसकी मार्केटिंग करेंगे। जैसे भी आप जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करेंगे, इसका बिजनेस आपका उतना ही ज्यादा चलेगा। हम शुरू कर रहे हैं आज बेसिक चॉकलेट बनाने से। मैं आज आपको तीन तरह की चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी, एक सिंपल चॉकलेट, बटरस्कॉच और व्हीट क्रंच। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह के कुछ सांचे, और ये सांचे भी आपको इजीली किसी भी बेकरी शॉप पे, जहाँ पे भी आप चॉकलेट लेंगे, आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मोर्डे की चॉकलेट, मोर्डे की डार्क चॉकलेट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट बनाना। इसके लिए हम पहले चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। अब मेल्ट करने के लिए आप चाहो तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, पर मैं इसे डबल बॉयलर में कर रही हूँ। डबल बॉयलर में करने के लिए आपको पहले गैस जला के उस पर पानी रखना है। जब पानी उबल जाए तब हम इस पर चॉकलेट रखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप कभी भी चॉकलेट को इसमें लकड़ी का चम्मच ना लगाएं इसके अंदर, क्योंकि उसमें थोड़ी नमी होती है जिससे आपकी चॉकलेट खराब हो सकती है। चॉकलेट में बिल्कुल भी कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी चॉकलेट खराब हो सकती है। हमें चॉकलेट को चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चॉकलेट जल जाएगी, और अगर एक बार हमारी चॉकलेट जल गई तो ये किसी काम की नहीं रहेगी, इसको फेंकना पड़ेगा। इसलिए प्लीज केयरफुली आप इसे चलाते रहिए। आपको हमेशा चॉकलेट को इक्वल टुकड़ों में काटोगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक साथ मेल्ट होंगे। अगर आप छोटे बड़े टुकड़े करोगे तो वो एक पहले मेल्ट हो जाएगा, एक थोड़ा लेट मेल्ट होगा। इसलिए जितना हो सके एक जैसे टुकड़े करें। हमें चॉकलेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको जितना मेल्ट करने में जितना टाइम लगे उतना टाइम लगे, वैसे तो सिर्फ 10 मिनट इसके अंदर लगते हैं बस। उसके बाद हमें इसको मोल्ड में डाल के फ्रिज में 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ही जमाना होता है। हाँ दोस्तों, अब हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से, देखिए। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं गैस से। अब ये भी चॉकलेट हमारी बहुत गर्म है, तो अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो इसके अंदर इसमें अच्छे से शाइन भी आएगी और आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी जमेगी। तो हम इसे कुछ देर इस तरह से करेंगे ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब हम इस तरह से एक मोल्ड लेंगे और अब हम इसे इस तरह से चम्मच से मोल्ड में डालेंगे। ये हम प्लेन चॉकलेट बना रहे हैं दोस्तों। अब हमने ये चॉकलेट इस मोल्ड में डाल दी है, अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और ऊपर से ये जितना भी है हम इसको इस तरीके से साफ कर देंगे। दोस्तों, हम इसे इसलिए साफ कर रहे हैं ताकि जो ये जो इसके एजेस हैं वो उसमें आएंगे जब हम पैकिंग करेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये इसको साफ करने से नीट और क्लीन निकलेगी। हमने ये व्हीट क्रंच के दाने लिए हैं, इसे हम पूरी चॉकलेट में मिला देंगे। ये आपके ऊपर है, आप ज़्यादा नहीं, थोड़े से अगर जितना आप डालना चाहें, थोड़े या ज़्यादा जैसे भी आप चाहें, उस तरह से इसे इस तरह से मिक्स कीजिए। दोस्तों, ये कोई फ्लेवर नहीं है, इससे क्या होगा कि आप जब खाओगे तो मुंह के अंदर एक अच्छा सा क्रंच आएगा। तो अब इसे भी हम मोल्ड में डाल रहे हैं इस तरह से, जैसे हमने सब पहले डाली है।
दोस्तों अब हम इसे टैप कर रहे हैं। दोस्तों अब हमारी ये तीनों चॉकलेट बनके तैयार हैं। अब इन्हें हम फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं। चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। हमने तीनों चॉकलेट यहाँ रख दी हैं। इसे हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। हमारी चॉकलेट बनके तैयार हो गई है, देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप इसे इसका हल्का सा टैप कीजिए, ये खुद ही निकल जाएंगी। देखिए बहुत इजीली। अब हम दूसरी निकालते हैं। देखिए बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आराम से निकल जाएंगी। टैप करते हैं, देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है। देखिए हमारी चॉकलेट बनके तैयार है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कितनी अच्छी शाइन आई है इसके ऊपर। अब आप खाइए, अब आप इसको खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पैकिंग के लिए मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप इसकी जितनी अच्छी पैकिंग करोगे आपके बिजनेस में उतना ही फ़ायदा होगा इसको, और जितना अच्छा आप इस पर क्रिएटिविटी करोगे पैकिंग के लिए भी उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी।